दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आयल्स वोकैबलरी, एकेडमिक वोकैबलरी, बैंड 7+, एडवांस वोकैबलरी। और इसे सीखने का जो सबसे प्रैक्टिकल, सबसे मज़ेदार, सबसे उम्दा, सबसे अमेजिंग एंड इफ़ेक्टिव तरीका जो है वो है आयल्स रीडिंग के थ्रू इम्प्रूवमेंट करना। ये पैसेज आपको दो बार नज़र आएगा मेरे दो वीडियोस में, एक आज का ये थोड़ा सा क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो जिसमें आपके साथ में मैं इस पर्टिकुलर पैसेज की वोकैबलरी शेयर करने जा रहा हूँ, और इससे आपको आइडिया होगा कि किस लेवल तक वोकैबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आयल्स के लिए प्रिपेयर रहना है और आयल्स रीडिंग आपको किस लेवल तक बेनिफिट करती है। और दूसरा, आयल्स का शायद सबसे मुश्किल रीडिंग पैसेज ऑन अ गिवन डे अगर रियल एग्ज़ाम में आपको नज़र आएगा तो इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। और ये रिपीटेडली जब मैं रियल एग्ज़ाम रिव्यूज़ के लिए जाता हूँ, वैसे कहना पड़ेगा 90% ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर रीडिंग नहीं याद क्या आया था, रीडिंग पैसेज तो भूल गए। लेकिन ऑफकोर्स देर आर मैनी हु डू शेयर और या कॉमेंट सेक्शन में बाद में बताते हैं, तो CSR बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि ये रियल एग्ज़ाम में आया हुआ है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने एग्ज़ाम दिया था और ये आपको पैसेज नज़र आया था तो आप ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। इतना मुश्किल पैसेज अगर ऑन अ गिवन डे अगर आपको आएगा तो आप उसे हैंडल कैसे करोगे, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा मेरे साथ लेकर। ये जब आप लाइव सॉल्व करेंगे एक बैंड 9 लेवल तक टेस्ट लेने वाली ये एक्सरसाइज, एक एवरेज 5.5-6 बैंड का स्टूडेंट भी कंफर्टेबली कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसका वोकैबलरी का आज का ये सेशन, जिसमें एक एक करके इसकी सारी वोकैबलरी मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा और इसे कैसे आपको यूज़ करना है ये भी बताऊँगा, और कौन से वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं ये बताऊंगा, और कौन से नॉट इम्पॉर्टेंट है ये बताऊंगा, और कौन से वर्ड को किस मॉड्यूल में आप यूज़ करेंगे ये भी बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी टेक्निकल टर्म है, इसके ऊपर बेस्ड आयल्स राइडिंग ऐसे भी है। अब जिसने ये चीज़ नहीं समझी उसको रीडिंग तो मुश्किल लगेगी और उसको ऐसे में लिखना क्या बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सारे काम करें, ऐसे ही कॉरपोरेट वर्ल्ड की मतलब बिजनेस की दुनिया की भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, कई बार एडवर्टीजमेंट आता है तो डाबर, कैडबरीज, नेस्ले, किसी भी ब्रांड की बात कर लो तो वो कहता है आप जब भी हमारा एक प्रोडक्ट बाय करेंगे उसका 1 रुपया हम विमेन एजुकेशन या हम ऑर्फन चिल्ड्रेन या हम एज्ड या विडोज पर, किसी ना किसी ऐसा सेगमेंट या सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको ज़रूरत है उसकी अपलिफ्टमेंट, उसकी बेटरमेंट पे हम इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज़ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी आपको ये चाहिए इसमें से। पहला ही वर्ड है ब्रॉडली स्पीकिंग, मतलब जनरली स्पीकिंग, आप इसे अपनी स्पीकिंग के लिए रखें। मैं कलर चेंज करता रहूँ, ट्राई करते हैं, है ना, एक बार तो मैं यहाँ पर ट्राई तो मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, एक रीडिंग के लिए हम ब्लू रखते हैं, राइटिंग के लिए मैं ग्रीन यूज़ करूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी वोकैबलरी यहाँ पर होगी वो जो राइटिंग के लिए यूज़ होगी, और स्पीकिंग के लिए मैं रेड यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सा कलर आपको, जैसे टेबल में दिया रहता है ना कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या रेफर करेगी, तो इसको एक बार हम रेड कर देते हैं, लेकिन वापस मैं चला जाऊँगा अपने ग्रीन पे, दैट वुड बी मोर फ्रीक्वेंटली यूज। प्रोपोनेंट्स आप हर एक राइटिंग टास्क में यूज़ करेंगे जहाँ पर आता है सम पीपल थिंक दैट, सम पीपल से दैट,
जो एक चीज़ को फेवर करते हैं वो उसके होते हैं प्रोपोनेंट्स, और जो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं वो होते हैं, आपको पता है वर्ड, ओपोनेंट्स। हैव यूज़ फॉर आर्ग्यूमेंट्स आपकी राइटिंग के लिए हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं कि द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आर्ग्यूमेंट टू मेक देयर केस, मॉरल ऑब्लिगेशन आपकी राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मॉरल तो आप सबको पता है, मॉरली करेक्ट होना, मॉरल, मॉरल वैल्यूज, ऑब्लिगेशन होता है जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आपको हर बार रीडिंग में भी नज़र आएगा, मैंने ब्लू कहा था, प्लीज़ इसे आप मान के चलिए, आपको रीडिंग में भी नज़र आएगा बार बार। और सस्टेनेबल, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल ये, सस्टेनेबल वो, आपको डेफिनेटली याद रखना है। लाइसेंस, ये हमारा लिसनिंग का वर्ड आ गया, इसको मैंने कलर कोडिंग नहीं की है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ लिसनिंग विच इज़, आपको स्पेलिंग याद रखने हैं। नाउ वापस मैं ग्रीन पे जा रहा हूँ, टू ऑपरेट एंड रैपिटेशन तो पता है, अपील मतलब अट्रैक्ट करना, तो ये जो कलर है इसका आई वुड से इट इज़ फार मोर अपीलिंग, आई वुड से कि आप इसे यूज़ कीजिए फॉर योर स्पीकिंग, मतलब कोई चीज़ जो बहुत प्यारी है, इंटरेस्टिंग है, ब्यूटीफुल है, एस्थेटिक लुक है, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब क्या है, वो अपीलिंग है। आर्ग्यूइंग दैट कंपनीज हैव अ ड्यूटी टू बी गुड सिटीजन्स, तो मैं सारा रीड नहीं करूँगा, फटाफट हाईलाइट करवाता जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आ गया प्रोमिनेंट। जब भी आप अपनी राइटिंग में कोई रीजन्स वगैरह देते हैं, मेन रीज़न के लिए आप कह सकते हैं द प्रोमिनेंट रीज़न। अगर हम नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू रखें तो एसोसिएशन इज़ वंस अगेन यू वुड बी यूजिंग इन योर राइटिंग दैट एन एसोसिएशन या कलेबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्फेसाइज मतलब किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर या फोकस करना, एंड वंस अगेन एथिकल वैल्यूज़, ये भी सही और सही आई वुड से मॉरल वैल्यूज़ का ही ये एक सिनोनिम है। और अगर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ एनवायरनमेंट को, तो दैट वुड बी फॉर, आप बताइए कौन से मॉड्यूल के लिए होगा, क्योंकि इसके आप स्पेलिंग बहुत गलत करते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं एनवायरनमेंट, इनवा कैसे बोलते हैं, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यू गेट दिस रॉन्ग स्पेलिंग, सो इट्स एनवायरनमेंट। आपको एक बार दिखाता हूँ पूरा पैसेज, यहाँ से अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, ए और ये रहा बी और ये सी, अब चलेगा डी, तो यहाँ पे ख़त्म होता है डी, फिर स्टार्ट होता है ई पैराग्राफ, देखिए कितने कितने लंबे पैराग्राफ्स हैं, और ई के बाद एफ पैराग्राफ भी है अभी, और अभी तो एफ ही आया क्योंकि इसके बाद अब जी स्टार्ट हो रहा है, जी पैराग्राफ शायद इसका यस लास्ट पैराग्राफ है। अब जी तक आपने वाकई कई सारे पैसेजेस देखे होंगे विद पैराग्राफ्स डिवाइडेड अप टू जी एच आई तक भी रहते हैं, लेकिन इतने इतने बड़े और इतने लेंथी और इतनी ट्रिकी लैंग्वेज और इतनी ज़्यादा वोकैब से फुल और इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टेक्स्ट, जैसे PTE के ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट होते हैं वैसा इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट है, जिस वजह से जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके वाकई होश उड़ने वाले हैं, लेकिन कल मैं आपको जब इसकी डिस्कशन करवाऊंगा तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे, और ख़ास तौर पे इसमें हेडिंग्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, बहुत प्यारा वर्ड है, अपनी राइटिंग में भी यूज़ कीजिए, स्पीकिंग के लिए भी रखिए। कॉम्प्रोमाइज़ होता है समझौता कर लेना, ठीक है। Children often have to compromise, parents often compromise with something. So, जहाँ आजकल हम तो environment के साथ भी समझौता करें, अपने benefits को देख रहे हैं। Next, explicit, कुछ भी बहुत ही clearly mentioned है, I would say इसको मैं blue कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर आप ये इसको reading में देखेंगे, I'm not very sure आप कब इसे use करेंगे, but explicit, क्या हो गया, ये अंडू हो जाएगा, चलो छोड़ो, आई एम नॉट वेरी श्योर, वैसे हो तो जाना चाहिए, कंट्रोल जी से तो नहीं हुआ, एनीवे द लाइसेंस टू ऑपरेट डराइव्स, ये पूरी लाइन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, टैक्टिक्स मतलब टेक्निक्स, एक्सप्लिसिट मतलब जो बिल्कुल क्लियरली बताया है, बाहर बारिश हो रही है, एक्सप्लिसिटली मैंशन, और इम्प्लिसिट बाहर फर्श
गीला हो गया है, अब किसने टूटी चलाई होगी या कोई पानी गिरा गया या क्या हुआ या वाकई बारिश आई. सो यू हैव टू यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट. सो दैट्स द इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन. स्ट्रेंथन राइटिंग के लिए रखिए सर इसे. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं जब रिलेशनशिप की बात करनी होती है. अक्सर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स ये नहीं यूज़ करते. इट वुड हेल्प टू स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप. स्ट्रॉन्ग इज़ नॉट अ वर्ब. सो डोंट से कि स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप. यू हैव टू से इट वुड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप. मतलब रिलेशनशिप इससे मजबूत होंगे. तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं दैट वुड बी स्ट्रेटजीज. राइटिंग के लिए यूज़ करना चाहिए कि किसी चीज़ के सोल्यूशन ढूंढने हैं तो वहाँ पे कह सकते हैं गवर्नमेंट हैज़ टू डेवलप सम स्ट्रेटजीज टू ओवरकम इट. देन द इम्पॉर्टेंट वन आई वुड से इज़, यहाँ पे और भी होंगे जो आप कहेंगे कि सर ये मिस हो गया या ये वर्ड है, वो बहुत फ्रीक्वेंट आयल्स वर्ड्स नहीं हैं, ना तो वो आपको रीडिंग में नज़र आएंगे दोबारा कभी, ये बहुत रेयर नज़र आएंगे, लिसनिंग में कभी सुनने को मिलेंगे ही नहीं. राइटिंग में आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन दे वुड बी सो अनकॉमन एंड डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर कि पहली बात आप याद कर नहीं पाओगे. याद कर लिया तो कॉन्टेक्स्ट नहीं याद कर पाओगे कहाँ पे यूज़ करना है. कॉन्टेक्स्ट याद रह गया तो ऑन द गिवन डे आपको याद ही नहीं आएगा, ओ माय गॉड यार मैंने तो ये वर्ड याद किया था, भूल गया. स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं नए वर्ड यूज़ करने में. दैट्स व्हाई ट्राई टू अवॉइड दोज. एक्सप्लॉयटेशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ राइटिंग वंस अगेन, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को खास तौर पर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं. एंड एस्पिरेशंस अगर आप चाहें तो ठीक है, अदरवाइज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट. और इनोवेशन आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ भी नया डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड रहता है. इनोवेटिव माइंड, इनोवेशन, और कंपनीज जो हैं वो इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हैं. ग्रेजुअली आपकी राइटिंग टास्क वन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब धीरे धीरे बढ़ना. और माउंटेड जो है वो आपको राइटिंग में भी यूज़ करना है और आप स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, जो बहुत स्टूडेंट्स नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि दीवार पर अगर कोई चीज़ लगाते हैं तो कई चीज़ें हम हैंग करते हैं, टंग रही होती हैं. सो इट्स माउंटेड ऑन वन ऑफ द वॉल्स ऑफ माई रूम. सो माउंटेड मतलब दीवार पर लगाना. So let's continue. Of course you know that consequences, ये तो हर स्टूडेंट ज़्यादातर स्पीकिंग में भी यूज़ कर लेते हैं और राइटिंग में भी. एंटीसिपेट हो सकता है आपको मीनिंग ना पता हो, ये भी रिपीटेटिव वर्ड है. राइटिंग में तो इतना मुझे नहीं लगता आप यूज़ करेंगे, रीडिंग में नज़र आएगा. एंटीसिपेट इज़ टू फोरकास्ट कर लेना, प्रिडिक्ट कर लेना, टाइम से पहले अंदाज़ा लगा लेना. नेक्स्ट इज़ वंस अगेन मोनिटर. हर एक ऐसे में यूज़ कीजिए जहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन की बात है कि पेरेंट दीज डेज कुड नॉट मोनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन. देखा हर एक वर्ड को परफेक्टली कौन से ऐसे में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, क्या उसका पार्ट ऑफ स्पीच है. हर एक चीज़ आप अगर इस वीडियो के थ्रू लर्न करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट करेगी. इवॉल्व वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि इसका बहुत ही सिंपल सा सिनोनिम डेवलप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. सो डेवलप का एक स्मार्ट सिनोनिम है इवॉल्व. ओवर द टाइम पीरियड इट हैज़ इवॉल्व्ड या इट हैज़ डेवलप्ड ग्रेटली. एज आई मूव ऑन आई सी दिस वर्ड विच इज़ कॉम्पिटेटिव. तो इसको मैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से कलर से कोड करूँगा, बिकॉज कॉम्पिटेटिव इज़ वन ऑफ द मिस स्पेल्ट वर्ड. तो लिसनिंग में आपको इस वर्ड का डेफिनेटली ध्यान रखना है. देन एक्सपर्टीज भी इसी का आंसर हो सकता है जो लिसनिंग में आपको आंसर करना है. फिलेंथ्रोफिक का मैं नहीं कहूँगा कि आइल्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है. फिलेंथ्रोफिस्ट हीरो के लिए एक सिनोनिम यूज़ होता है, बट वी कैन सर्टनली अवॉइड इट. मूविंग ऑन, तो यहाँ पे इसको फिर से ग्रीन कलर कोड करूँगा. मेनी शेड एप्स बहुत सारे ऐसे इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का, जैसे पंजाबी कहते हैं या हिंदी में भी कह देते हैं उपराला, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने ये काम किया है, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये लोगों को बहुत अच्छा लगे. जैसे पंजाब में पब्लिक बसेस में आजकल वेमेन की टिकट्स नहीं लगती हैं, आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बहुत कम हो गए हैं. सो उसको बोलते हैं इनिशिएटिव, अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ अ गवर्नमेंट. आजकल वो दूसरे स्कूल्स भी खुल रहे हैं यहाँ पे, कौन से होते हैं, मोंटेसरी, क्या होता है ये, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इफ़ यू नो दैट.
ओके, कंट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, आप यूज़ नहीं करते हैं तो ज़रूर यूज़ कीजिए। इट्स अ वेरी एकेडमिक वर्ड टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड समथिंग। इनहेरिटेड, इट्स अ लिसनिंग वर्ड। इनहेरिट करना जो हम अपनी प्रीवियस जेनरेशन से गेन करते हैं। इंसिडेंटल इज़ अ स्पीकिंग वर्ड, जैसे यू रिमेंबर एन इंसिडेंट, और एकदम से कुछ होना इंसिडेंटल। कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी करवाता हूँ, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस चीज़ से रिलेटेड। सो इफ आई टॉक अबाउट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, माय आर्गुमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, आप यूज़ कर सकते हैं इन योर स्पीकिंग। सो स्टैंडर्डाइज मतलब किसी चीज़ का स्टैंडर्ड डिफाइन कर देना, दैट इज़ एक्चुअली स्टैंडर्डाइज्ड। और करिकुला आप स्पीकिंग में यूज़ कीजिए, राइटिंग, लिसनिंग, हर एक चीज़ में। जैसे हम करिकुलम बोल देते हैं, उसी को करिकुला एज अ प्लूरल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉलंटियर्स, आपको सबको पता है इसका मीनिंग क्या है। इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन request somebody in the comments section, and I'm very sure there would be many in the comments, many who would be willing to share in the comment section the meaning of volunteers. Then the next word is faculty. आप इसे बहुत सारे students को शायद नहीं पता होगा। जैसे किसी भी आप university colleges में जाते हैं, कई सारे departments जो होते हैं, so उनके लिए word जो है वो faculty use करते हैं, right? एंड डिविजन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही हमारी सेंसेस होती हैं, फैकल्टी ऑफ हेयरिंग, फैकल्टी ऑफ विजन, इसके लिए भी ये वर्ड यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट आई वुड बी शेयरिंग विद यू इज़ इंटेग्रल, क्योंकि स्ट्रेटेजिक हमने पहले कर लिया। डायमेंशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशंस, डोमेन्स, डिफरेंट स्फीयर, डिफरेंट डायमेंशन समझते हैं, 3D, 4D, मतलब उसके एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है। इंटेग्रल मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेन टू समथिंग। ऑर्गेनिक, आपको पता है आजकल काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, आप कौन सा ऑर्गेनिक फ्रूट या वेजिटेबल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एम्फेसाइज मैंने आपको पहले बता दिया। प्रोक्योरमेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा, प्रोक्योर करना, ये टास्क वन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जहाँ पे आपको मैनुफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ आता है और दिखाते हैं कि फैक्ट्री में सबसे पहले रॉ मटेरियल, तो वहाँ पे ये वर्ब यूज़ करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल इज़ प्रोक्योर्ड इन द वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस में ला के वो रख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वंस अगेन द लिसनिंग वर्ड, लिसनिंग वर्ड इंग्रेडिएंट्स, एंड आई होप एवरीवन नोज, क्योंकि खाना हम हमेशा खाते हैं, कुछ बना भी लेते हैं, नहीं तो इतना तो सबको पता है कि खाना बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए, जो भी काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और नेचर का पार्ट बन जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल, अनलाइक प्लास्टिक एंड अदर थिंग्स जो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमेशा यहीं पर घूमते फिरते रहती हैं। बायोफ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा पूरा रीडिंग पैसेज आ सकता है, इस पर आपको राइटिंग टास्क आ सकते हैं। बायोफ्यूल्स मतलब फ्यूल्स जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पंजाब में तो बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है वो जो गोबर गैस प्लांट होता है, वो एक तरह से क्या है, बायोफ्यूल है। इसी तरह से कूड़े से बिजली पैदा करना, इसी तरह आजकल हमारे पंजाब में एक फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है जिसकी इनॉग्रेशन हुई है, जिसमें क्या है, स्टबल बर्निंग की जो बहुत प्रॉब्लम है, उस स्टबल से जो खेतों में जो हार्वेस्टिंग के बाद जो गंद बच जाता है, घास फूस, उससे जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको मतलब ऐसा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल। सो बायोफ्यूल, इनफैक्ट देर वुड बी बायोफ्यूल्स टू रन द कार्स इन फ्यूचर एज वेल। एंड देन कंपैशन, कंपैशन इज़ किसी काइंडनेस टूवर्ड्स समथिंग, ही इज़ वेरी कंपैशनेट, मतलब ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड। रीइन्फोर्स मजबूती से लागू करना, रीइन्फोर्स सम काइंड ऑफ रूल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। वंस अगेन राइटिंग, डायमेंशंस पहले हो चुका है, डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विश करना, अलग करना, एंड कंपेटिटर्स पहले भी आ चुका है। आई होप यू नोटिस कि कितनी सारी वर्जन रॉ मटेरियल, मतलब ऐसा रॉ मटेरियल जो पहले कभी नहीं यूज़ किया गया है, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो बिल्कुल फ्रेश मटेरियल चाहिए, दैट वुड बी दी
वर्जन रॉ मटेरियल। देखिए कितनी सारी वोकैबलरी हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, और इससे ज़्यादा एडवांस वोकैबलरी आपको चाहिए नहीं। और इसे एक बार आप कंपेयर करके देखना पीटीई के किसी टेस्ट में, और उसमें शायद ही कोई दो या चार वर्ड्स होंगे जो आपको ढंग से समझ आ रहे हैं, बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएंगे। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू टेस्ट। अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है तो आइल्स कीजिए, अगर तुक्केबाजी के साथ करना है तो पीटीई कीजिए। और पीटीई की भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं। आप मेरा दूसरा चैनल रमन पीटीई डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहीं पर मैं मिलूँगा आपको पीटीई के फुल फ्लेज सेशंस एंड लेक्चर्स के साथ। तो अभी वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट सेशन का, जो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर होने वाला है, लाइव होने वाला है, जिसमें इस पूरे टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो इसके क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये जो हेडिंग्स हैं और कंप्लीटिंग द ब्लैंक्स हैं, और ये कुछ लिस्ट ऑफ कंपनी के साथ एसोसिएट करने के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं, ये डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन ऑफ वोकैबुलरी। थैंक्स एंड बाय बाय फॉर नाउ।